हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ आशीष सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों का क्लास चल रहा था स्पीकिंग का, तो वेन एवर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस, वी आर आर्ग्यूइंग सम थिंग्स एंड वी आर गेटिंग अ टॉपिक एंड वी हैव टू फेस टू द पीपल्स विथ अ ग्रेट स्किल। हाउ कैन वी मेक हिम अंडरस्टैंड, हाउ कैन वी कन्वर्सेशन विद देम, देन वी हैव मच मोर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जब भी हम किसी से टॉकिंग करना शुरू करते हैं, किसी के सामने डिस्कशन करना शुरू करते हैं, तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। तो टुडे वी विल हैव चूज समथिंग स्पेशल लाइक दैट टू कन्वर्स विद द अदर पीपल्स एंड हाउ कैन वी मेक देम कंसोल। जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं तो कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेज आ जाते हैं, जहाँ पर हमें टॉकिंग करना होता है, बात करना होता है, तो हम कन्फ्यूज हो जाया करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे कि जो हमारे सामने एक साथ में आता तो है, लेकिन हम जब बोलना होता है तो अक्सर उसको गलत कर जाते हैं। तो आज हम लोग केयर करेंगे अबाउट दैट टॉपिक। तो वी वेयर टॉकिंग अबाउट दैट वेन एवर वी आर गेटिंग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स एज लाइक कुछ तुम्हारे कारण, कुछ तुम्हारे दोस्त के कारण मैं पढ़ नहीं सका, तो वी आर गोइंग टू ब्लेम अबाउट वन अनदर ना। हम एक दूसरे पर ब्लेम करना शुरू करते हैं, दोषारोपण करना शुरू करते हैं, अब मतलब हुआ क्या करते हैं, वाद विवाद करना शुरू करते हैं ना। तो जब भी अपने आप पे आता है, देखिए गाइज, वेन एवर वी आर गोइंग टू फेस द पीपल्स, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वी आर थिंकिंग दैट आई एम अ होस्ट। But when you are host, it has been admired by other, then you are host. Otherwise, you are nothing. अपने आप से तो हर कोई अपने आप को 30 मार्खा समझता है। जिस दिन आप अपने आप को किसी दूसरे से 30 मार्खा समझवा लिए, उस दिन you are something special. Otherwise, ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारी discussions होंगी। तो we are coming here for improvements. For improvements, there is a need of, we have to be express ourselves as better. The people, when they will listen us, they will have to accept it all, you have something special, you are particular person in front of him. So now we are talking about that. तो आज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों का चर्चा करेंगे जिस पर हम क्या करते हैं कि कारण जो है होता है, कारण निहित होता है, उसे बताने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे partly because of, क्या पढ़ेंगे, use of partly because of। पार्टली बिकॉज ऑफ, ठीक है, कुछ कारण से, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कुछ आपके कारण, कुछ आपके भाई के कारण मैं पढ़ ना सका, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम पार्टली बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आपके कारण, कुछ आपके भाई के कारण, कुछ आपके कारण, कुछ आपके भाई के कारण मैं पढ़ ना सका, ठीक है। कुछ आपके कारण, कुछ आपके भाई के कारण, कुछ आपके कारण एक सेंटेंस हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ, partly because of you, partly because of you, कुछ आपके भाई के कारण, तो partly because of, because of your brother, partly because of you, partly because of your brother, मैं पढ़ न सका, तो I couldn't या could not, I couldn't read, क्या हो गया, कुछ आपके कारण, कुछ आपके भाई के कारण, हम वजह बता रहे हैं ना पढ़ नहीं पाए, तो किसके कारण, कुछ आपके कारण और कुछ आपके भाई के कारण। जैसे मान लीजिए कुछ धन के कारण, कुछ समय के कारण, मैं उसको यहां नहीं बुलाया, ठीक है गाइस। नाउ जस्ट माइंड अबाउट दिस वन, कुछ किस चीज के कारण, कुछ धन के कारण,
कुछ समय के कारण मैं उसको नहीं बुलाया। सपोज कीजिए कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई रिलेटिव है, आपसे दूर रहता है और वो कह रहा है कि मैं तभी आऊँगा जब मेरे पास पैसे होंगे, तो आप पैसे नहीं भेज पाते तो कहते जाने दो, जब पैसे होंगे तो बुलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कोई कारण ही बता रहे हैं, कुछ धन के कारण, कुछ समय के कारण, या तो मेरे पास पैसे नहीं थे और न तो समय था कि हम बाइक से चले जाएँ उठा के लेके आ जाएँ। तो क्या हो गया, कुछ धन के कारण, कुछ समय के कारण, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, पार्टली बिकॉज ऑफ मनी, फिर पार्टली बिकॉज ऑफ टाइम, फिर क्या होता है, मैं उसको यहाँ नहीं बुला सका तो I could not call him here. तो एज वेल एज गाइज, हमने बताया था आप लोगों को कि देखिए कोई भी चीज़ आपके लिए जटिल नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है, कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं होता। इम्पॉसिबिलिटी क्यों आती है, जब हमें उस सेंटेंस का फार्मूला, उसका तरीका, उसके बनाने का स्ट्रक्चर्स नहीं पता होता है तो हमें लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं है। तो डेफिनेटली यू हैव गॉट इट ऑल, आपको कितना ईजी लगने लगा होगा, मुझे अच्छे से उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो कुछ सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए, खुद से क्रिएट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि दीज सेंटेंसेस आर जस्ट लाइक अ ट्री फॉल, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ बर्डन ऑन दीज सेंटेंसेस। सो ट्राई टू डू अ प्रैक्टिस, सिंस देन वी विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, सिंस देन फॉर दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू प्रैक्टिस एंड सेंड मैसेज इन कमेंट बॉक्स। सिंस देन गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।